जय बाबा बर्फाने जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बाबा जी। ओम नमः शिवाय बाबा जी। ओम नमः शिवाय। असल में कह रहे हैं कि कोई अपडेट आया नहीं 15 तारीख वाला। हमने अभी भी चेक किया, मोदी जी ने जो भाषण दिया ना लॉकडाउन बढ़ाने का, अभी दो मतलब तीन मई तक, तो उसके बाद भी चेक किया, अभी तो अपडेट कुछ हुआ नहीं है। तो हो सकता है एक दो घंटे में शाम तक हो तो आपको जरूर बताएंगे। अच्छा सर, एक बात सर और पूछ सकते हैं? सर मैं जब वाराणसी सर मैं ट्रेन द्वारा सर जम्मू पहुँचते हैं तो उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा सर? आप अकेले हैं साथ में कोई और भी है? मैं सर 13 लोग हैं सर, हम संजय कुमार पटेल बोल रहे हैं वाराणसी से। अच्छा अच्छा 13 लोग हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वहाँ से भगवती नगर जाएं, या फिर आप अपना टेम्पो ट्रैवल कर लें। 14 सीटर, 14 सीटर या 16 सीटर टेम्पो ट्रैवल आ जाता है। आप कैसे करना चाहेंगे यात्रा, मतलब सस्ते में करना चाहेंगे या थोड़ा कंफर्ट और थोड़ा कैसा लगे? नहीं सर, कंफर्ट बढ़िया सा हो जाए, मतलब उसको तो बढ़िया से मैं आपको बताता हूँ, बढ़िया ऑप्शन ये है, आप अपना टेम्पो ट्रैवल कर लो अभी से ही। अभी मत करना, मतलब जैसे लॉकडाउन वगैरह खुलने की न्यूज आनी से, अभी तो कोई भी नहीं कर रहा है, इसलिए ना सबको मालूम है, पता नहीं क्या कंडीशन होगी आगे। तो उसके बाद मैं आपको नंबर दे दूंगा ट्रैवलर्स वाले का, ठीक है? उसका टेम्पो आप कहाँ से यात्रा करेंगे, पहलगांव से करके नीचे आएंगे? हाँ, तो आप अपना प्लान बना लीजिए, जैसे हमारा यात्रा प्लान है ना, वैसे आप अपना एक छोटा सा यात्रा प्लान बना लीजिए कि इतने तारीख को आप उधमपुर मतलब उधमपुर पहुँचेंगे या जम्मू पहुँचेंगे, जम्मू से गाड़ी आपको लेगी शाम को वहाँ, कितने देर में गाड़ी? सर मैं ये कन्फर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब अगर मैं 25 तारीख को यात्रा परमिट जो डेट का डिस्कस लेता हूँ तो फिर मैं वाराणसी कितने तारीख को मतलब टिकट रिजर्वेशन कराएं? सर नहीं, मतलब कितने दिन बाद हम मतलब करवाएं टिकट? मैं बताता हूँ आपको, देखिए पहले ही बताओ यात्रा कहाँ से करेंगे आप, कौन से रूट से करेंगे? पहलगांव से करेंगे, बालटाल से नीचे आएंगे? जी, और माता वैष्णो देवी भी जाएंगे? हाँ सर, उसके बाद सर जा सकते हैं। हाँ, मेरी बात सुनिए, और कहीं श्रीनगर घूमने का प्लान वगैरह है आपका? हाँ सर, एक दिन मार्ग सर जो है ना, दिन मार्ग सब। हाँ, तो मैं ये मेरा फोन रिकॉर्डिंग पे है, आप लिखो मत, मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटा, बाद में आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप सुन लेना और अपना प्लान कर लेना। मैं आपको बताता हूँ तरीका, देखो मैं आपको बताता हूँ, 25 तारीख का मान के है, 25 तारीख का मान के, अब 23 तारीख का मान के चलते हैं हम। हमने 23 तारीख को हम कहाँ पहुँच गए? उधमपुर पहुँच गए, ठीक है, जम्मू पहुँच गए। आपकी ट्रेन जम्मू आएगी? जी सर जी। कितने बजे पहुँच रही है जम्मू आपकी ट्रेन? वही सर, उधमपुर एक्सप्रेस सर, यहाँ से 12 बजे 12:15 बजे जाती है सर, वहाँ वही 10:30 11 बजे दोपहर को जी। आपको 10:11 बजे पहुँचे, 12 बजे पहुँचे, 1 बजे पहुँचे, लेट भी हो जाए 3 बजे पहुँचे, 4 बजे पहुँचे, आपको उस दिन पूरा दिन कुछ नहीं करना, ठीक है? तो आप जम्मू में ही हो, तो जम्मू में वहाँ से आपको, हाँ लेकिन ये फर्क है, देखो दोनों चीज़ों में फर्क है। अब ये फर्क है कि आपकी गाड़ी 10 बजे पहुंच जाती है जम्मू, तो आपको टेम्पो ट्रैवलर अगर टाइम से गाड़ी पहुंच जाती है, मैं कहता हूं अगर 12-11 बजे तक भी पहुंच जाती है जब भी सेफ है, लेकिन 12 बजे के बाद वहां से मत निकलना आप ना। अगर 12 बजे गाड़ी पहुंचे तो टेम्पो वाले को बोल देना कि आज स्टे करते हैं कल चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो सब अरेंजमेंट हो जाता है। आप 10 बजे पहुंचे, जैसे आप गाड़ी वाड़ी में बैठे 10:30 बज गए, 11 बजे मिल गए, 11 बजे अपना टेम्पो लेके आप निकल लीजिए पहलगांव तक, ठीक है? आप अपना पहलगांव निकल जाइए 11 बजे टेम्पो लेके, आप शाम को 5-6 बजे पहलगांव पहुंच जाएंगे, ठीक है? कितने तारीख को पहुंचे पहलगांव? 23 तारीख की शाम को पहुंच गए, ठीक है? अब शाम को पहुंच गए आप, अब शाम को आप आराम कीजिए, वहां पे होटल भी होते हैं टेंट भी होते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप बेस कैंप के अंदर टेंट लें, होटल में ना रुकें, ठीक है? बेस कैंप में अंदर जाइए, रुकने की पूरी अच्छी व्यवस्था है, टेंट की अच्छी व्यवस्था है, वो भी मैं आपको नंबर दे दूंगा, बहुत अच्छे टेंट वाले हैं वहां पे, आपको बढ़िया अरेंजमेंट कर देंगे। खाने के लिए वहाँ पे बाबा जी के लंगर हैं, उसमें भी कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। 23 तारीख की रात बिताई आपने वहाँ पे, सपोज कीजिए 24 को आपने यात्रा स्टार्ट की, कितनी उम्र के लोग हैं आपके साथ यात्रा में चलने वाले? 35 सर नीचे सर। 35 जी सर, 35 बस बस बस, लड़के लड़के मतलब टाइप से है ना, ठीक है? तो आपने 24 तारीख को यात्रा स्टार्ट की अपनी, और कोशिश रहेगी आप लोगों की आप पैदल यात्रा करें आप लोग, है ना? हाँ, तो 24 तारीख को अपनी यात्रा स्टार्ट कीजिए आप, वहाँ से जैसे पहलगांव से सुबह आपको छोड़ेंगे वो, तो आप बाहर आएंगे, बाहर ही आपको छोटी टैक्सी मिलेंगी, छोटी गाड़ियाँ है ना, टेम्पो टवेरा छोटी छोटी गाड़ियाँ, वो आपसे 100, 150 या 120 रुपये लेंगी और आपको चंद्रवाड़ी छोड़ देंगी, ठीक है?
हाँ, तो जैसे आपको चंद्रवाड़ी छोड़ेंगी, चंद्रवाड़ी में भंडारे हैं, आप नाश्ता करना चाहें तो पहलगांव में कर लें हल्का फुल्का, लेकिन अगर पहलगांव से जल्दी निकलते हैं तो चंद्रवाड़ी में भंडारे हैं। कोशिश करें जो टाइम देना है आपको चंदनवाड़ी पहुंच के करें आप नाश्ता वास्ता, ठीक है, और हल्का हल्का नाश्ता करें, हल्का बिल्कुल हल्का नाश्ता करें, मतलब एक चाय ले ली, दो रस ले ली, ज्यादा हैवी नाश्ता बिल्कुल ना करें, क्योंकि आगे आपको पिस्सू टॉप की चढ़ाई चढ़नी है, ठीक है। आप चाहे आराम से 9-10 यात्रा शुरू कर दें, जितना जल्दी करेंगे उतना ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। जैसे ही आप पिस्सू टॉप पहुंच जाएंगे, ऊपर चढ़ाई चढ़ के ऊपर भंडारे हैं, आराम से 15-20 मिनट आराम करें, वहां पे अच्छे से खाना खाएं, क्योंकि उसके बाद चढ़ाई नहीं है आगे, बिल्कुल प्लेन है 5-6 किलोमीटर, ठीक है। आप ऊपर पहुंचे, आपने चढ़ाई कर ली, आप आराम करें। अब दो और कंडीशन आती हैं, अगर आप शेष सब चलने वाले बहुत अच्छे हैं और जल्दी चलते हैं, सबकी बात कर रहा हूँ, अगर आप टाइम से शेषनाग पहुंच जाते हैं 2 बजे तक 1 बजे तक, तो आपको आगे जाना दिया जाएगा। पर मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, आप इतना मतलब जल्दबाजी ना करें, आप शेषनाग में स्टे करें। अगर आप लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है, आपको लग रहा है कि हम इतना जितना चल के आए हैं इतना ही और चल जाएंगे और दिक्कत नहीं आएगी, तो आप शेषनाग में शेषनाग से आगे निकल जाएं, 1 बजे से पहले पहले आप शेषनाग पहुंच जाएं और आगे निकल जाएं। अगर आपको नहीं लगता तो आप शेषनाग में स्टे करें, तो यहाँ पे मैं आपको शेषनाग में स्टे कर रहा हूँ। तो 24 तारीख को आपने शेषनाग में स्टे कर लिया, फिर शेषनाग चलेंगे सुबह, तो पंचतरणी रुकने की जरूरत नहीं है, किसी की तबियत खराब होती है तो रुकने की जरूरत है, पंचतरणी भी आपको 2 बजे से पहले क्रॉस करना पड़ेगा, तो आप है ना 24 को शेषनाग, तो 25 की सुबह आप उठे और सीधा 25 की रात को सीधा बाबा जी की गुफा पे, ठीक है। दर्शन आपने शाम को करने हैं शाम को कर लीजिए, 25 को नहीं करने हैं तो 26 को सुबह उठ के कर लीजिए, ठीक है, जैसे आपका मन मानता हो। 26 को दर्शन हो गए, 26 को सुबह दर्शन किया, 25 किए, 26 को सुबह चलना शुरू करेंगे, बाल टाल से आप 4 घंटे में 5 घंटे में नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप एक 4 या 5 है बैगों का ऐसा होता है, जैसे आप इतने लोग जा रहे हैं और सबके छोटे छोटे बैग हैं और सब उठा सकते हैं, तो अपने साथ ही ले जाइए, ज्यादा सामान ना हो तो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, छोटे छोटे बैग हैं ले जाइए, ठीक है। इसके अलावा रास्ते से अभी ट्रेन में जो कपड़े पहन के आएंगे या जो आपने माता वैष्णो देवी जाना है या जो घूमने फिरने के कपड़े हैं वो अपने टेम्पो ट्रेवलर में छोड़ दीजिए। यात्रा में रेनकोट, 2 जोड़ी कपड़े, जो भी अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं, अपने नहा धोने के कपड़े हैं वो रखिए, बाकी अपने टेम्पो ट्रैवलर में छोड़िए। टेम्पो ट्रैवल करने के बेनिफिट बता रहा हूँ आपको, मतलब फायदा, टेम्पो ट्रैवल में आपको फायदा होगा, ठीक है। कपड़े नीचे छोड़ दीजिए, आप सीधा 26 तारीख को दर्शन करके नीचे उतरेंगे, आप 2-2.5 बजे तक नीचे आ जाएंगे आराम से, आपके पास अपना टेम्पो होगा, उसी टाइम टेम्पो में बैठे, आपका मन है रास्ते में गुलमर्ग पड़ता है सोनमर्ग पड़ता है, आप गुलमर्ग सोनमर्ग घूम लें, वहीं स्टे कर लें किसी होटल में, है ना, आपके ऊपर है वो, तो ठीक है। तो 26 तारीख का आपका पूरी यात्रा कंप्लीट होगी, नीचे पहुंच गए। उसके बाद खीर भवानी मंदिर पड़ता है, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत पैसा बचाना है आपको, होटल में नहीं रुकना है, वैसे लड़के हैं शिकारे वो होते हैं पानी में जो बोट होती है ना, वाटर बोट होती है, वहाँ पे शिकारे जो उनमें रात को रुकते हैं लोग ना, आप उनमें रुक सकते हैं। अगर पैसा बचाना है, श्रीनगर लाल चौक में हनुमान मंदिर है, आप उसमें जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप आराम से रहें, ऊपर भंडारा है, खाएं, अगले दिन अपने टेम्पो वाले को बुला लें सुबह सुबह, अपना श्रीनगर लोकल, शंकराचार्य मंदिर, मुगल गार्डन, चश्मे शाही, डल लेक, ये व्यू है वहाँ पे, सारा मिला के 6-7 घंटे का है। तो जाते हुए जब आप निकलेंगे तो खीर भवानी और ये मुगल गार्डन, ये आपका सोनमर्ग गुलमर्ग आप जाते हुए देख लेना, ताकि आपको दोबारा वापस रूट पे ना आना पड़े, क्योंकि टेम्पो अपनी गाड़ी है ना आपके पास, तो अपनी गाड़ी को आप कैसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो 27 तारीख को आपने पूरा श्रीनगर घूम गया, फिर 27 के बाद आप निकल जाइए सीधा वहां से माता वैष्णो देवी, 28, 29, 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा ले लेना, 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा ले लेना, 28, 29, 30, आप 30 का अपना वापसी टिकट कराएं, कारण अब 2 दिन एक्स्ट्रा लेने का कारण यह है, बाई चांस यात्रा में मौसम खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपकी टिकट खराब ना हो, तो 1 दिन तो आपका अगर रहेगा तो आप माता देवी माता के दर्शन कर, अगर फिर भी, और फिर बताता हूँ आपको, जो आपके आपने 2 दिन एक्स्ट्रा लिए थे ना, अगर लास्ट में वो बच जाते हैं तो वहीं माता वैष्णो देवी के पास में ही उसी टेम्पो ट्रैवलर से शिवखोड़ी पड़ता है, सुना आपने? हाँ, तो शिवखोड़ी घुमाना, शिवखोड़ी आप मत रख लेना कि टाइम बचा तो जाएंगे, नहीं बचा तो माता जी के दर्शन करके वापिस आ जाएंगे, और अगर माता जी के दर्शन करने में भी अमरनाथ जी यात्रा में टाइम लग गया तो श्रीनगर छोड़ना होगा तो श्रीनगर छोड़ देना, पर श्रीनगर मत छोड़ना, श्रीनगर घूम लेना, क्योंकि माता वैष्णो देवी तो कभी भी आप डायरेक्ट आ सकते हो, ट्रेन पकड़ी हो कभी भी पहुंच के शिवखोड़ी माता वैष्णो देवी कभी भी कर सकते हो एक बारी में, और श्रीनगर के लिए फिर दोबारा आपको इतना लंबा आना पड़ेगा ट्रैवल करके ना, ठीक है ना। तो आप 30 तारीख का मान के चलिए, 23 से 30 का प्लान बना लीजिए, 2 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए जो आपको बता रहा हूँ, जैसे भी जहाँ भी ये 2 दिन यूज हो जाएंगे वैसे आपको ठीक रहेगा, ठीक है।
और बात कर रहे थे आप यात्रा गुफा की, तो गुफा पे जो भी आपका बड़ा बैग होगा वो नहीं, छोटा गुफा के अंदर क्या ले जा सकते हैं, गुफा के अंदर अपने पैसे, ठीक है, कैमरा अलाउड नहीं है, पैसे और प्रसाद, बस दो चीजें लेके जा सकते हैं आप। किसी का किसका भैया जी आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? अगर सर ट्रेन टिकट जो सर मैं बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, अगर मान लो 25 तारीख को मैं मेरा यात्रा परमिट अगर मुझे इश्यू हुआ है तो मैं वाराणसी का कितने दिन पहले मतलब सर टिकट बुक कराऊँ? नहीं, 12 अगर 26 को आपको यात्रा करनी है, यात्रा परमिट इशू हुआ है, तो यात्रा परमिट का मतलब 26 को आपको सुबह निकलना है, 25 की रात को आपको पहलगाम पहुंचना है, 25 की रात को पहलगाम पहुंचना है, तो 25 की सुबह आपको जम्मू पहुंचना है, तो जो ट्रेन आपकी 25 की सुबह जम्मू पहुंच रही है उसका ट्रेन टिकट करवा लीजिए आप। ठीक है, सर यहाँ पे 12 बजे 12 बजे सुबह 12 बजे खुलती है यहाँ बेगमपुर एक्सप्रेस है वाराणसी, तो सर सुबह आज मतलब दोपहर को लोग पहुंच जाती है वहाँ। तो सही रहेगा ना, उसका करवा लीजिए आप। अगर एक बार कंफर्म कर दीजिए सर, अगर मान लीजिए सर हमारे पास जो भी वो कैंपिंग टेंट होता है सर, मैं उसको ले जा सकता हूँ वहाँ पे? कि क्या होता है आपके पास कैंपिंग टेंट सर जो आता है ना? कैंपिंग टेंट टेंट सर नहीं, टेंट की आपको कहीं भी लगाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी जमीन वहाँ पे लीज पे दी होती है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी टेंट लगा लें अपना, ना ही कोई लगाने देगा। मैंने तो किसी को लगाते, ये जो टेंट वाली कहानी है ये आपकी श्रीखंड किन्नर कैलाश मणिमेज में लगा सकते हैं आप, अमरनाथ जी में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है कि आप कैंपिंग टेंट लगा के अपना कैंप कर लें। हाँ, आप अपना स्लीपिंग बैग जरूर ले सकते हैं जिसमें आपको सोना हो, टेंट के अंदर ही सोना आपको टेंट के अंदर ही पड़ेगा, अपना टेंट आप नहीं लगा सकते वहाँ पे। ठीक है जी प्रभु जी, बाकी मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दीजिए, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको भेजता रहूंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो कॉल करना। ठीक है प्रभु जी, जय भोले जी की, जय भोले जी की। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।